हाँ जी दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए जो लोग हारमोनियम सीख रहे हैं। तो देखिए, जब इंसान हारमोनियम सीखना शुरू करता है तो सबसे पहली जो उसके मन में इच्छा आती है, ख्वाहिश आती है दूसरों को देखे कि वो कब हारमोनियम पर कोई भी गाना खुद से निकालेगा। लेकिन कुछ कारणों की वजह से, कुछ दिक्कतों की वजह से वो हारमोनियम पर गाना निकालने में उसको बहुत सारी दिक्कत होती है और बहुत सारे कारणों का उसको सामना करना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा, कुछ ऐसे अभ्यास बताऊंगा जिन पे आप अगर 10 दिन फोकस करते हैं, 10 दिन अगर आप उन अभ्यास को करते हैं, उन एक्सरसाइजेस को करते हैं, तो आप लोगों को बहुत जल्द हारमोनियम पर गाना निकालना आ जाएगा, आप एक अच्छे हारमोनियम प्लेयर बन सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू करते हैं, तो पूरा देखना इस वीडियो को। देखिए, ये मैंने बातें पहले भी कही हैं, मैं हर बार ये बातें दोहराता हूँ क्योंकि ये बातें ही आपको हारमोनियम बजाना सिखाएंगी। इन्हीं बातों से आप हारमोनियम सीखेंगे, इन्हीं अभ्यासों से आप हारमोनियम बजाना सीखेंगे। देखिए, जब हम गाना निकालते हैं तो गाना निकालने के पीछे आपको पता है क्या कारण होता है? कि हम उस गाने की आवाज़ को ढूंढते हैं। कोई भी गाना चल रहा है, चाहे हम किसी भी गाने की भी बात करें, तो हम उसको हारमोनियम पर कैसे ढूंढते हैं? उसकी आवाज़ को सुनकर ढूंढते हैं, उस आवाज़ को। तो सबसे पहले जो चीज़ है, आवाज़ के ऊपर फोकस करना है आपको। जो आवाज़ है, चाहे वो गाने की आवाज़ है, चाहे सामने वाला आपके साथ कोई आपका जो पार्टनर है वो गा रहा है, आप उसकी आवाज़ के उसके पीछे आप हारमोनियम बजा रहे, तो उसके पीछे हारमोनियम बजाने के लिए आप उसकी आवाज़ को ही पकड़ोगे, आवाज़ को ही आप हारमोनियम पर ढूंढोगे कि वो कहाँ पर गा रहा है। तो उसके लिए आपको कुछ रियाज़ करने चाहिए। रियाज़ कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल, अगर बेसिक अलंकार भी, अगर मैं आपको दो तीन अलंकार बताऊंगा इस वीडियो में, दो तीन अभ्यास बताऊंगा, अगर आप उन अभ्यास को अपनी डेली रूटीन में 10 दिन ऐड करते हैं तो गारंटेड 11वें दिन आप कोई गाना पकड़िएगा, आपको कुछ ना कुछ उसमें मिलना शुरू हो जाएगा, आप खुद उसको महसूस करिएगा उन बातों को। तो अलंकार क्या है कि देखिए, हम हमेशा जब रियाज करते हैं ना, एक सीक्वेंस में करते हैं, सा के बाद रे पे जाते हैं, रे के बाद गा पे जाते हैं, गा पे मा पे, फिर पा पे, फिर धा पे, फिर नी पे। बट रियलिटी, आप एक चीज़ मेरी इस बात में नोटिस करिएगा इस वीडियो में, रियलिटी में कभी गाना सीक्वेंस में नहीं होता। गाने में ये रूल नहीं होता कि सा के बाद रे ही आएगा उस गाने में, रे के बाद गा ही आएगा, गा के बाद मा ही लगेगा, मा के बाद पा ही लगेगा। उसमें शफल होता है स्वरों का, मतलब कि स्वरों को एकदम से ऊपर नीचे, पता नहीं सा के बाद कब मा के ऊपर चला जाएगा गाना, पता नहीं मा से कब बंद सप्तक के नी पर आ जाएगा, फिर नी से पता नहीं कब ता सप्तक के सा पर चला जाएगा। ये गाने का ये जो रूल होता है, गाने कुछ इस प्रकार चलते हैं। अभी मैं आपको एक दो एग्जाम्पल बताता हूँ गानों की, रूटीन वाइज। देखिए, एक गाना मैं ले रहा हूँ, गुलाबी आंखें। तो देखिए, ये गाना उठ रहा है सा से, देखिए, बट ये गाना जा कहाँ पे रखे, देखिए, देखिए सा से उठ के डायरेक्टली धा पे गया, क्योंकि ये सीक्वेंस तो नहीं है, ये शफल वाला सीक्वेंस है, यानी कि सा से डायरेक्टली गाना धा से उठा है। हमारा जो रियाज होता है वो डायरेक्ट होता है, सा से रे पे, रे से गा पे, गा से मा पे। इस कारणों की वजह से हमें किसी भी गाने की जो आवाज़ होती है वो पहचानने में दिक्कत होती है, वो स्वर पहचानने में दिक्कत होती है। ठीक है, अभी इसी तरह एक और गाना ले लीजिए आप, हमारा जो गाना है लग जा गले, आप उसमें देख लीजिए, देखिए इसमें क्या है, सा से धा पे जा गाना, पहले गाना सा से डायरेक्ट धा पे गया। बहुत सारे आपको ऐसे गाने मिलेंगे, लगभग 99% गानों को जो सीक्वेंस होता है वो ऐसे ही होता है कि सा के बाद डायरेक्टली रे नहीं आएगा, क्या पता मा आएगा कि पा आएगा कि धा आएगा, ये होता है। तो उसके लिए हमें अपने आप को भी खुद से ऐसे तैयार करना है ताकि जो गाने हमारे सा से धा पर जाते हैं, जा नी पर जाते हैं, जा डायरेक्टली गाने शफल में उठते हैं, तो आपको उनको सुन के फट से पकड़ना आ जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए आपको मैं दो तीन अलंकार बताऊंगा, जबरदस्त अलंकार हैं, जबरदस्त रिजल्ट है, अगर आप उनको सही ढंग से 10 दिन फॉलो करते हैं, गारंटेड रिजल्ट है उस चीज़ का। सबसे पहला सिंपल और बेसिक अलंकार है, आपको क्या करना है, शफल वाला अलंकार। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक स्वर छोड़ रहा हूँ, सा से गा पे जा रहा हूँ, फिर रे से मा पे जा रहा हूँ, गा से पा पे जा रहा हूँ, मा से धा पर जा रहा हूँ, पा से नी पर जा रहा हूँ, धा से सा पर जा रहा हूँ। इसका लिंक, इस अलंकार का जो नोटेशन, आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं कमेंट बॉक्स में भी पिंग कर दूंगा। सबसे पहली एक्सरसाइज देखिए मैं कैसे बजा रहा हूँ, और
कोई भी जब आप अलंकार का रियाज करते हैं उसको पूरे हारमोनियम पर बजाने की कोशिश करिए, खाली एक सप्तक में मत बजाइए। देखिए जनरली हम लोग क्या करते हैं अलंकारों का रियाज एक ही सप्तक में करते हैं। सा ग रे मा ग प म ध प नि ध सा सा ध नि प ध म प ग म रे ग सा, तो ये एक सप्तक में मैंने अलंकार किया, बट आपको इसी अलंकार को पूरे हारमोनियम पर लेके जाना है। सबसे पहले इसकी आवाज पर फोकस करना है, इसको महसूस करना है कि ये स्वर कैसे चल रहे हैं। सा ग रे मा ग प म ध प नि ध सा सा ध नि प ध म प ग म रे ग सा, इस तरीके से ये अलंकार है। आपका पहली एक्सरसाइज यही है। फिर दूसरी जो एक्सरसाइज है उसमें तीन स्वर लेंगे हम, शफल में ही लेंगे। देखिए कैसे लो, सा ग प रे म ध ग प नि म ध सा सा ध म नि प ग ध म रे प ग सा। अभी देखिए इसी अलंकार पर भी एक हमारा गाना है, यही सेम पैटर्न आपको मिलेगा उस गाने में। देखिए ये गाना है तुम दिल की धड़कन में, देखिए शुरुआत में वही पैटर्न चला तुम दिल की। तो ये अलंकार अगर आप तैयार करते हैं तो आपके स्वर बहुत पक्के होंगे, आपकी जो स्वरों की दूरियां हैं आपको बहुत जल्दी पता चलेंगी, आप किसी भी गाने को आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये अलंकार को भी आपको ट्राई करना है पूरे सप्तक में। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक और अलंकार बता रहा हूं, उसमें क्या है कि हम डायरेक्टली सा से मा पे जाएंगे, यानी कि दो स्वर छोड़ दिए। सा मा रे पा, देखिए सा मा रे पा गा धा मा नी पा सा सा पा नी मा धा गा पा रे मा सा, इनको फिर बजाना वैसे। इस तरीके से इनका अभ्यास करना है। उसके बाद एक और अलंकार बता रहा हूँ मैं, टोटल आपको चार अलंकार बता रहा हूँ इस वीडियो में। अभी नेक्स्ट वाला देखिए, सा से पा पर जा रहे हैं। सा पा रे धा ग नि मा सा सा मा नि ग धा रे पा सा। तो ये चार अलंकारों का रियाज आपको पूरे 10 दिन करना है और फिर आप अपना गाना निकालने बैठिएगा, आपको आवाज़ों जो गाने की जो दूरियां हैं वो पता चलनी शुरू हो जाएंगी, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये अलंकार, चार अलंकार सिर्फ आपको हर एक थाट में करने, 10 दिन का टारगेट रखिए, पहले दिन पहला थाट पकड़िए, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन चौथा, पाँचवा, छठा, फिर ऐसे 10 दिन करिए और 1 घंटा इन चार अलंकारों का रियाज करना। उससे क्या होगा कि आपके दिमाग में स्वरों की दूरियां बैठेंगी और आपकी उंगलियों में भी वो दूरियां सेट हो जाएंगी, ताकि जब गाना निकालते हैं ना, हम काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप लोग जब गाना निकालते हो तो कैसे आप डायरेक्टली सही नोट पर आपका हाथ चलता, तो इसी अभ्यास से हमारा भी हाथ वैसे चल रहा है। तो आप भी उसी अभ्यास को करिए, आप भी उसको तजर्बा करिए, अपना एक्सपीरियंस करिए उसी चीज़ पर और अच्छे से बजाना सीखे। तो सिर्फ यही रियाज है, सभी गुरु लोगों ने यही रियाज किया, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है, सब लोग यही रियाज कर करके आगे बढ़े। डायरेक्टली कोई शॉर्टकट नहीं, अगर आप सोच रहे कि संगीत में कोई शॉर्टकट है देन यू आर रॉन्ग। तो यही एक सिर्फ एक सिंगल एक यही रास्ता है, एक यही तरीका है जिससे आप घर बैठे आसानी से संगीत सीख सकते हैं और आसानी से स्वरों की पकड़ कर सकते हैं। आप इन अभ्यास को ही फोकस करिए और अपनी डेली रूटीन में ऐड करिए। तो ये छोटी सी कोशिश थी आप सबके लिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए और बताइए आपको ये जो मैंने सजेशन दिए हैं आपको कैसे लगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।